बात करें अगर यूपी पुलिस की, तो आपको इनके कई कारनामे ऐसे सुनने को मिल जाएंगे जिससे प्रदेश की किरकिरी हुई और समाज में एक गलत संदेश गया। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। योगी सरकार आने के बाद पुलिस लगातार अपने काम को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में महाराजगंज के थाना अध्यक्ष ने एक स्कूल गोद लिया है, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाने का एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी देखिए। पुलिस शब्द सुनते ही और पुलिस को देखते ही लोगों में तुरंत पुलिस को लेकर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। हालांकि अब आप अपने मन से पुलिस के नकारात्मक भाव को बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए कि कुछ ऐसे ही खाकी वर्दीधारी हैं जो कि इस धारणा में बदलाव ला रहे हैं। कुछ ऐसे ही हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना अध्यक्ष सुनील राय, जिनकी अनोखी पहल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। पेशे से शिक्षक थे, जो अब पुलिस की नौकरी के साथ साथ बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील राय ने नौतनवा स्थित प्राथमिक विद्यालय को गोद लेते हुए सप्ताह में एक दिन वहां पर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया है। यही नहीं, इसके साथ वो सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी सामान भी देते हैं। नौतनवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में आज जब सुबह पुलिस की गाड़ी रुकी, तो आसपास के लोग पुलिस को देखने लगे कि स्कूल में कोई बात तो नहीं हो गई। लेकिन जब खुद थाना अध्यक्ष सुनील राय बच्चों के बीच पहुंचकर हंसते हुए गुड मॉर्निंग करने लगे और बच्चों को बताया कि आज से विद्यालय में वो अब पुलिसकर्मी बनकर नहीं बल्कि शिक्षक बनकर आएंगे और वो उन बच्चों को पढ़ाएंगे, जिनके बाद बच्चे और आसपास के लोग काफी खुश हुए। थाना अध्यक्ष ने बच्चों को गणित का सवाल ब्लैक बोर्ड पर हल करवाया। इसके साथ ही जब उन्हें हल नहीं आया तो उनको बताया भी। अपने बीच में एक पुलिसकर्मी को पाकर बच्चे काफी खुश हो रहे हैं और जब तक उनकी क्लास चली बच्चों ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। इंस्पेक्टर सुनील राय ने बताया कि वह पुलिस की नौकरी में आने से पहले शिक्षक थे, जिससे जब भी उन्हें मौका मिलता है जिस भी थाने पर वह रहते हैं तो एक प्राइमरी स्कूल को गोद लेकर वहां पर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जो उन्हें अच्छा भी लगता है। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय ने बताया कि सप्ताह में एक दिन वो अपने गोद लिए प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर बच्चों को किताब के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी देते हैं। इससे एक तो उनके अंदर पुलिस को लेकर किसी तरह का भय नहीं रहता और दूसरी तरफ उनका मन भी पढ़ाई में लगा रहता है। उनका कहना है कि यह बच्चे भविष्य में समाज की संरचना में अपना योगदान देने वाले हैं। इनके शिक्षा और संस्कार की बुनियाद को मजबूत करके ही शिक्षित, सुरक्षित और सभ्य समाज की स्थापना सुनिश्चित की जा सकती है। मैं इस जॉब में आने से पहले एक शिक्षक था, बच्चों को मैं पढ़ाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच में आके। इसके पहले मैं जहाँ जहाँ भी रहा हूँ, उच्च अधिकारियों का निर्देश भी रहा है कि जहाँ रहिए थोड़ा समय निकाल के किसी भी विद्यालय को गोद लेके उसमें पढ़ाइए। मैं बरगदवा में भी गोद लेके बच्चों को वहाँ में जाता था पढ़ाने के लिए, और जब मैं यहाँ नौतनवा में आया तो इस विद्यालय को भी मैं गोद लिया था। जो भी सर्वसुलभ इनको होता है पेंसिल पेन मैं बच्चों को देता हूँ और समय निकाल के आके बच्चों के बीच में पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चे समाज के एक हैं, इनको आगे इन्हीं से हमारा समाज बनता है, तो इनमें एक डर का भावना हम लोगों के प्रति न हो और मिलजुल के हम लोगों के साथ रहें। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाते हैं, बच्चों में किस तरह का, बच्चों की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है? बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सामाजिक ज्ञान भी मैं इनको देता हूँ कि बच्चे कोई अगर थर्ड आदमी आपको कुछ दे खाने पीने के लिए, रास्ते में मत लिया करिए, सीधे घर जाया करिए, किसी के बहकावे में ना आइए। और मैं यहाँ जैसे अभी आया था, बच्चों को मैथ्स पढ़ाया, बड़ा अच्छा लगा। इनको मैंने साइंस पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा, और बच्चे भी बड़ा सपोर्ट किए और उनको मैं स्वयंपट के पास बुला के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए। यूं तो पुलिस को देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, हर कोई दाएं बाएं कन्नी काटने लगता है। लेकिन इसके उलट नौतनवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में पुलिस के पहुंचते ही बच्चे खिलखिला उठते हैं। सप्ताह में एक दिन उन्हें पढ़ाने के लिए प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार जब स्कूल में पहुंचते हैं तो बच्चे कहते हैं पुलिस अंकल आ गए और उन्हें रिसीव करने पहुंच जाते हैं। प्रभारी निरीक्षक भी उतनी ही गर्मजोशी से विद्यालय में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाकर उनके उत्साह को दुगना कर देते हैं।
पुलिस से शिक्षा हासिल करने को लेकर बच्चे भी अपने परिजनों और आसपास के लोगों को बताकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक भी थाना अध्यक्ष के इस अनोखी पहल की तारीफ कर रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि जब से थाना अध्यक्ष यहाँ पढ़ाने आते हैं, तब से स्कूल का माहौल बदल सा गया है और जो बच्चों के अंदर पुलिस के प्रति भय व्याप्त था, वो भी अब दूर हो चुका है। सर, यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष महोदय आए हैं, जब से ये आए हैं, इनका एक नया पहल हमारे बच्चों में एक नया जोश पैदा कर रहा है और इनके आते ही बच्चे जो है, बच्चों में ये देखने को मिलता है कि सर आज हम सर से पढ़ेंगे, और ये हर हफ्ते आते हैं और इससे जो है हमारे बच्चों के अंदर जो पुलिस के प्रति जो है भय व्याप्त था, वो धीरे धीरे निकल रहा है। और इससे विद्यालय को क्या लाभ हुआ है कि हमारे हम लोग खुद जो है एक सुरक्षा का माहौल महसूस करते हैं और बाकी जो अराजक तत्व हैं यह विद्यालय में आने से भयभीत हो रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो पहल सर ने शुरू की है ये लंबे समय तक चलता रहे और हम लोग और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हों। पुलिस पढ़ाने आए थे, पुलिस अंकल पढ़ाने आए थे। अच्छा, क्या पढ़ाए हैं? मैथ। अच्छा, किस तरह से पढ़ाते हैं और कैसा लगता है उनके पढ़ाने में? अच्छा लगता है पढ़ाने में। क्या क्या पढ़ाए हैं? मैथ। मैथ में क्या क्या पढ़ाए? LCM, HCF। अच्छा, हर हफ्ते आते हैं पढ़ाने के? आज पुलिस अंकल आते पढ़ाने, हम लोग को मैथ पढ़ाए हैं। हर हफ्ते आते हैं और पेंसिल रबड़ देते हैं और हम लोग को पुलिस से डर नहीं लगता और हमारे सर बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं। आज मेरे क्लास में पुलिस अंकल आए थे और हमें मैथ पढ़ा रहे थे। हर हफ्ते वो आते थे, मुझे हम लोग को कभी पेंसिल इलेजर और हमें अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। बहुत अच्छे पुलिस अंकल थे, हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य प्रणाली पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन वहीं अब योगी सरकार में पुलिस तमाम तरह से बेहतर कार्य कर रही है, जिससे लोगों में उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि काफी अच्छी होती जा रही है। वहीं पुलिस कर्मियों के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को गोद लेकर वहाँ शिक्षा प्रदान करना और उनकी जरूरत के सामानों को उन्हें देना कहीं ना कहीं पुलिस की छवि को और बेहतर बनाने का काम कर रहा है। महाराजगंज से नवीन मिश्रा की रिपोर्ट।